हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल के कुमार इम्प्रिंट एनएलपी मास्टर लाइफ कोच। आज इस वीडियो में आपको एक खूबसूरत टेक्निक बताने जा रहा हूं, जिससे आप अपने माइंड और बॉडी में एक हेल्दी इन्वायरमेंट बना पाएंगे। याद रखें, आप हमारा माइंड और बॉडी एक ही हिस्सा है। हमारी बॉडी स्वतंत्र प्रभार में रहती है, वह केवल अपने न्यूरॉन्स के डायरेक्शंस को फॉलो करती है। न्यूरॉन्स को हम हमारी याददाश्त कह सकते हैं, मेमोरी हाउस कह सकते हैं, जो कि आपके विचारों से भरे होते हैं। जब न्यूरॉन्स में कुछ अनचाहे विचार आ जाते हैं तो वह सूचना आपकी बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं। शुरू में यह सूचना आपकी बॉडी में एंग्जाइटी यानी बेचैनी बनाती है। एंग्जाइटी व बेचैनी क्या है? यह आपके शरीर में बीमारी आने से पहले का जवाब है। यह बेचैनी व एंग्जाइटी आपके शरीर की तरफ से आपकी बीमारी से पहले दी गई चेतावनी है। जब आप इस चेतावनी रूपी बेचैनी को नहीं समझते हैं या इसका कोई इलाज नहीं करते हैं और लंबे समय तक ये बनी रहती है, तो आपका शरीर उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता है और यह एंग्जाइटी या बेचैनी आपके शरीर में एक बीमारी का रूप ले लेती है। दोस्तों, आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? आज मैं आपको यहाँ बहुत ही खूबसूरत एनएलपी सक्सेस इम्प्रिंट्स टेक्निक बताने जा रहा हूँ, जो आपको स्वस्थ रहने में सहायता करेगी। माइंड एंड बॉडी इज वन। जो हमारे माइंड में आता है उसी के अनुसार हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। यदि आप अपनी बॉडी पर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड के परसेप्शन को चेंज करने की जरूरत है। आपको जरूरत है अपने माइंड में कुछ मैजिकल परसेप्शन पैदा करने की, जो कि आपके न्यूरॉन्स में जाएंगे और न्यूरॉन्स आपके शरीर में ले जाएंगे और आपका शरीर स्वस्थ होगा। चलिए ध्यान से सुनिए जो मैं अभी बता रहा हूं। आप भी अपना स्वास्थ्य का विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। जब भी आप अपने शरीर को बीमारी से ठीक करने का माहौल बनाते हैं या बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो यह एक्सरसाइज आपको सहायता करेगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सीधे बैठिए। जब आप सीधे बैठते हैं तो अपने माइंड और बॉडी को एक रिसोर्सफुल स्टेट देते हैं। अपने कंधों को सीधा कीजिए, एक गहरी सांस लेकर अपने सांसों को सामान्य कीजिए। अपने जीवन में पीछे देखिए, जब आप छोटे थे, जब आप पढ़ते थे या जब आप जवान थे, तब आप पूरी तरह स्वस्थ थे, आप खेलते थे और जीवन के पूरे स्वास्थ्य का आनंद ले रहे थे। हो सकता है आप 10 साल के, 12 साल के, 15 या 20 साल के थे, जब जो मस्ती करते थे, खेलते थे, जब आप अपने स्वास्थ्य का पूरा मजा ले रहे थे। उस समय में जाइए जब आप पूरी तरह स्वस्थ थे, खूब मस्ती करते थे, खूब खेलते थे। उसमें से कोई एक इवेंट याद कीजिए। जब आप उस इवेंट को या घटना को देखते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी धड़कन बढ़ रही है, चेंज हो रही है। इससे आपको पता चलेगा कि आपका माइंड उस सिचुएशन को देख पा रहा है। आप देख पा रहे हो तो आप उसको देखिए जो आपने उस वक्त देखा था। उस वक्त जो इवेंट था, जो इवेंट आपको याद आ रहा है, उसको अपने मेंटल स्क्रीन पर लाइए। जो आपने उस वक्त देखा था, अपने मेंटल स्क्रीन पर देखिए। किस तरह की सूर्य की किरणें थी, किस तरह आप खेल रहे थे, किस तरह उत्साह से चिल्ला रहे थे। इस इमेज को अपने मेंटल स्क्रीन पर लाइए, उसे और कलरफुल बनाइए। देखिए किस तरह से आप उसका आनंद उठा रहे थे। उसमें और रंग भरिए, रंगों को और गहरा कीजिए, इस पिक्चर को और बड़ा बनाइए, और ज्यादा रंगीन बनाइए, और ज्यादा चमत्कार बनाइए। अभी आपने देखा जो आपने देखा था, अभी आप सुनिए जो आपने सुना था। उन आवाजों को सुनिए जो उस वक्त आ रही थी। उन आवाजों को और साफ और तेज कीजिए। इस इवेंट में पीछे से कौन कौन सी आवाजें आ रही थी, उनको भी तेज कीजिए और नजदीकी से सुनने की कोशिश कीजिए कि क्या है ये आवाजें। इनको और तेज कीजिए। उस चित्र को देखते रहिए, उन आवाजों को सुनते रहिए, आनंद लीजिए उस पिक्चर का भी और इन आवाजों का भी।
जैसा कि अभी आपने देखा जो आपने देखा था, अभी आपने सुना जो आपने सुना था, अब आप महसूस कीजिए जैसा उस वक्त आप महसूस कर रहे थे। अनुभव कीजिए उन सभी भावनाओं को जो उस वक्त अनुभव कर रहे थे, खुशी की, आनंद की, स्वास्थ्य की, आशा की, सकारात्मकता की, रचनात्मकता की। अब देखिए उस घटना की तरफ जो एक बहुत खूबसूरत सी ऊर्जा एनर्जी भेज रही है। वह ऊर्जा आपकी तरफ बढ़ रही है और एनर्जी के झोंके की तरह आपकी तरफ आ रही है। कल्पना करें, ये एनर्जी का झोंका आपको चारों तरफ से घेर रहा है, आपके चारों तरफ घूम रहा है, आपको स्पर्श कर रहा है, आप इसे अपनी सांसों के साथ अंदर ले रहे हैं। कल्पना करें जब आप इस खुशी की ऊर्जा को, स्वास्थ्य की ऊर्जा को इनहेल कर रहे हैं, तो आपका वेलनेस, आपका स्वास्थ्य, आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। जैसे आप लंबी सांसें लेते हैं तो आपके अंदर पूरी तरह स्वास्थ्य का माहौल बन रहा है। जैसे जैसे आप इस ऊर्जा को इनहेल कर रहे हैं, वैसे वैसे आप और अधिक स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं, आनंदित महसूस कर रहे हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए, अपनी सांसों के साथ और एनर्जी को अंदर ले जाइए जो आपके बचपन के सुनहरे पलों से आ रही है। एक बार फिर इनहेल कीजिए और देखिए कि आपके अंदर स्वास्थ्य का, खुशी का, आनंद का पैरामीटर बढ़ रहा है। देखिए इसे बढ़ते हुए, देखिए ये बढ़ रहा है 6, 7, 8, 9। और ऊर्जा इनहेल कीजिए और महसूस कीजिए कि अब आप 9 तक पहुंच चुके हैं और अब आप 10 तक पहुंच रहे हैं। आपका स्वास्थ्य भी 10 पर पहुंचने वाला होता है। जब आप अपने स्वास्थ्य के टॉप पर पहुंचते हैं तो अपनी दोनों मुट्ठियां बंद कर लें, जितनी मजबूती से कर सकते हैं उतना मजबूती से बंद करें। जब आप पूरी तरह से अपनी बॉडी को स्वास्थ्य की फीलिंग के साथ महसूस कर रहे हैं, तब अपने आप को एक चट्टान की तरह देखें, माउंट एवरेस्ट पर्वत की तरह देखें, अपने आप को एक बड़ी लहर की तरह देखें जो किसी भी बीमारी को, बड़े से बड़े चैलेंज को हरा सकती है। अपने आप को सुपर ह्यूमन की तरह देखें। जब आप सुपर ह्यूमन बन जाएं, तो कल्पना करें कि आपकी सभी बीमारियां, आपके सभी चैलेंजेस एक फुटबॉल रूपी गोले के रूप में आपके सामने रखा है। अब कल्पना करें कि आपके सामने जो स्ट्रक्चर, जो फुटबॉल, बीमारियां या चैलेंजेस का गोला रखा है, उसको आप अपने 100% पोटेंशियल के साथ बहुत जोरदार किक लगाते हैं और वह फुटबॉल प्रकाश की स्पीड से आपसे दूर जा रही है और देखते ही देखते अदृश्य हो रही है। जब यह अदृश्य हो जाती है तो आप अपनी इमेज को एक विजेता की तरह देखिए, अपने अंदर एक आवाज पैदा कीजिए, ओह मैंने अपनी बीमारियों को हरा दिया, मैंने अपने चैलेंजेस को हरा दिया, मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ, मैं अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकता हूँ, मैं सभी चैलेंजेस को कुशलता से हैंडल कर सकता हूँ। देखिए अपने खिलखिलाते चेहरे को, अपनी चमचमाती आंखों को, अपनी प्यारी सी मुस्कान को, दोबारा अपनी इमेज को अपने मेंटल स्क्रीन पर ले आए। देखिए आपका खिलखिलाता चेहरा, चमचमाती आंखें, आकर्षक करने वाली आपकी प्यारी सी मुस्कान, आपका सुडोल छरेरा और गठीला पूर्णतया स्वस्थ शरीर, इसे अपने मेंटल स्क्रीन पर सामने लाएं, इसमें और रंग भरें। अपनी प्यारी सी ड्रेस को देखिए, अपने हाथ में एक सुंदर सी घड़ी देखिए, अपने सुंदर से जूते व ज्वेलरी भी देखिए। इस पिक्चर को और ब्राइटर, बिगर, बोल्डर बनाइए। आप जब स्वस्थ हो तो अपनी लंबी उम्र को देखिए कि किस तरह आप एक लंबी उम्र जी रहे हैं, अपने पूरे परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने आप के लिए अपार धनराशि कमा रहे हैं। देखिए आप किस तरह दूसरे लोगों के जीवन को छू रहे हैं, नई ऊर्जा दे रहे हैं, लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं। देखिए आपके रोल मॉडल्स आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। देखिए अपने आप को कि आप अपने भविष्य रेखा पर किस तरह आनंद के साथ उत्सव मना रहे हैं,
क्योंकि आपके पास अपने आप को स्वस्थ रखने का, मोटिवेट रखने का और किसी भी चैलेंजेस का सामना करने का अद्भुत एवं अनुपम साहस है। आप अपने आप को एक बड़ी लहर की तरह देख रहे हैं जो कि हर समय हर चैलेंज को सही तरीके से निपटाते हुए आगे बढ़ रही है। इसलिए आप अपने भविष्य समय रेखा पर साहस के साथ उत्सव मनाएं। एक बार फिर अपने आप को अपने मेंटल स्क्रीन पर सबसे स्वस्थ व्यक्ति की तरह देखिए। आप इस एनर्जी को अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं। इस एनर्जी को अपने सर से पैर तक ले जाएं और महसूस करें कि यह एनर्जी आपको पूरी तरह स्वस्थ करती जा रही है। आपके शरीर की एक एक सेल को ठीक कर रही है, एनर्जाइज कर रही है, स्वस्थ कर रही है और आत्म सम्मान बढ़ा रही है कि आप अद्भुत हैं, आप श्रेष्ठ हैं और आप पूरी तरह से स्वस्थ और स्वस्थ होते जा रहे हैं। आप इस एनर्जी को इनहेल कर रहे हैं। जब आप अपने स्वास्थ्य की फीलिंग्स को एक बार पीक तक ले जा रहे हैं तो अपनी सांसों को नॉर्मल कीजिए, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाइए, अपने हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़िए और जब इसमें गर्माहट पैदा हो जाती है तो अपनी दोनों आंखों पर रखते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलिए। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट कीजिए, कम से कम हफ्ते में दो बार। यदि आप इस एक्सरसाइज को अपने परिवार के साथ करते हैं, दोस्तों के साथ करते हैं तो आप बहुत मजा ले पाएंगे, पूरा परिवार मजा ले पाएगा और साथ ही आप स्वास्थ्य का आनंद ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।